मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सभी लोग? क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ इसलिए. और सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बट अभी थोड़ी सी क्लाउडी टाइप मौसम हो गया है वेदर जो है, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. होपफुली फिंगर क्रॉस बारिश हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं. और शायद आप सभी लोग ऐसा चाहते होंगे कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है. मुंबई में इतनी बारिश हो रही है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, प्लेटफॉर्म्स पे पानी भरा हुआ है रेलवे स्टेशन के, बट दिल्ली में बारिश ही नहीं हो रही है यार. थोड़ी सी बारिश हमें भी दे दो ना, थोड़ा सा दे दो बस, ज़्यादा नहीं चाहिए. और नाश्ता हमारा हो चुका है सबका, और अब चलेंगे लंच की तरफ. लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये कपड़े हैं कल के और अभी तक क्योंकि नहीं है हम नहाए. जी, हमारे घर में सिर्फ अभी डुगू नहाया है, ना दिवाकर जी नहाए, ना मैं नहाए. हम सबसे गंदे लोग हैं. बच्चे ने नहा लिया, हमने नहीं नहाया, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ फिर नहाने. और क्योंकि मैं अभी देखो, अगर आप पीछे थोड़ा सा देखेंगे ना, नीचे लैपटॉप रखा हुआ है, मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी. क्योंकि दो दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि मेरी वीडियो पब्लिश होने में रात में 8:30-9 बज जा रहे हैं, तो मैं आज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी. मैं चाहती थी कि आज मेरी वीडियो शाम को 5:30 या 6 o'clock के बीच में पब्लिश हो जाए, टाइम पे, बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए. क्यों? आखिर आप लोगों के लिए तो इसीलिए. और दूसरी चीज़ ये कि अगेन एक हाथ से कैमरा पकड़े पकड़े दर्द हो जाता है हाथ. और दूसरी चीज़ ये कि आज थोड़ा सा मैंने सुबह जो है एक्सरसाइज नहीं की. मैं डुगू को देख रही थी, डुगू कुछ कर रहा था इसलिए. हाँ, तो आज सुबह मैंने मॉर्निंग में कोई एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि मैं आज सुबह लेट उठी थी सो के. तो इवनिंग में चलेंगे आज एक्सरसाइज के लिए, ठीक है. और उसके अलावा लंच बनाते हैं. लंच में क्या खाएंगे आप दिवाकर? क्या खाओगे? कुछ भी. क्या यार, ये वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आज क्या बनेगा. शायद हर घर में रोज पूछा जाता है, 4 से 5 बार तो सब पूछते ही होंगे ना, आज क्या बनाओ, आज क्या खाओगे, आज क्या बनेगा. तो मैं भी पूछ रही हूँ हस्बैंड से, क्या बनेगा आज. ये जो ये वाला आंसर आता है ना, बना लो कुछ भी बना लो, और फिर हम कुछ भी बना देते हैं तो कुछ भी कोई खाता नहीं है फिर तो. ये अरे यार, यही था क्या बनाने के लिए, कुछ और बना लेती. तो ये कुछ नहीं, कुछ कोई डिश है ही नहीं. प्रॉपर नाम बताओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा. मैं आपको दिखाती दिवाकर जी को, लेकिन वो नंगे पुंगे होके बैठे हुए हैं इसलिए ऐसे यूट्यूब पे अलाउ नहीं है ना आना नंगे पुंगे बन के. टी शर्ट पहन लो भाई, खाली बनियान बनियान पहन के आराम से रिलैक्स कर रहे हो. कहने मत बताओ सबको. तो भी देखते हैं क्या बनता है लंच में. लेकिन डिनर के लिए तो मैंने छोले भिगाए हैं, काले वाले छोले खाएंगे ना रात में. हाँ, तो रात में छोले खाएंगे. और अभी दिन में देखते हैं लंच में क्या बनता है. लेकिन उससे पहले नहा लेते हैं यार, इरिटेशन हो रही है, नहा लेते हैं थोड़ा सा, है ना. चलो आप ही नहा लो फिर जल्दी से, चलो नहाते हैं.
आ गई दोबारा से। शाम के बज रहे हैं 4:15। आप सोच रहे होंगे बीच में 3 घंटे के लिए मैं कहाँ गायब हो गई थी। एक्चुअली क्या है ना, लंच बनाया, लंच किया और उसके बाद मेरे पास कपड़े बहुत सारे थे आज भी धोने के लिए, तो फिर मैं कपड़े धोने में बिज़ी हो गई। तो 3 बज गए और फिर 3 बजे के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई, मैं थक गई थी, सोई नहीं थी, सिर्फ लेटी थी। सोना चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं सोई कि अगर मैं सो जाती तो फिर मैं रात में फिर उल्लू की तरह जगती, इसलिए मैं बिल्कुल भी रात में जगना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे आँखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाएँ, फिर से डार्क सर्कल्स हो जाएँ, इसलिए मैं दिन में नहीं सोई हूँ और रात में सोऊंगी अच्छे से। और थोड़ा सा भी नाम आगे थोड़ा सा किया मैंने, मिनिमम सा, सबसे मिनिमम मेकअप, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ सीसी क्रीम लगाई थी और लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया, कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे मैंने आईब्रोज क्यों नहीं फिल की, क्यों नहीं कर रही हूँ आजकल आईब्रोज फिल। मैं एक्चुअली क्या है, मेरी आईब्रो पेंसिल जो है ना मेरे पास एक ही थी, मिस क्लियर की, जो डार्क ब्राउन शेड आता है ना मिस क्लियर का, वही था मेरे पास और वो मेरी खो गई है। तो मेरे पास कोई और कुछ और आईब्रो के लिए है नहीं, तो मैंने ऑर्डर किया है अभी नायका से, आ जाएगी 2-3 दिन में, फिर आईब्रो फिर से फिल करने लग जाऊँगी मैं। और दिवाकर जी सो रहे हैं, डुगू भी सो रहा है बेडरूम में, दोनों के दोनों सो रहे हैं क्योंकि ये ऑफिस से आए थे सुबह, इसलिए इनकी नींद पूरी नहीं है। और डुगू बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे पानी में खेलना था, मैं कपड़े धो रही थी तो, और मैंने पानी में उसे खेलने नहीं दिया तो इसलिए वो रो रो के सो गया है। हालांकि अब उठेगा तो मैं उसे कुछ स्ट्रॉन्ग सा कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, बस 2-3 घंटे से सो रहा है वो। और दिवाकर जी भी, तो अभी ये दोनों सो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं चाहती थी मैं शाम को मतलब अभी 5 बजे तक मैं जाऊँ वहाँ पर, कहाँ पर रनिंग के लिए, लेकिन अब इन लोग अब उठेंगे तो फिर तुरंत चालू ये कर दो, चालू वो कर दो, चालू वो कर दो, दुनिया भर का काम हो जाएगा। तो मैं सबसे जल्दी उठ जाए तो मैं जल्दी से काम आऊँ, इन लोगों की जो भी देना है इवनिंग का नाश्ता वाश्ता चाय वाय जो भी कुछ कॉफ़ी वॉफी देनी है दे दा के फिर मैं रनिंग के लिए चली जाती हूँ, लेकिन उठेंगे तब ना। और आज का मौसम यार बस बारिश नहीं हो रही है, भगवान जी बारिश करा दो। बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम बहुत क्लाउडी है, बहुत सुंदर हो रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे डुगू जग गया है, सो के उठ गया है। डुगू निन्नी हो गई आपकी? हाँ अच्छा। और ये नई वाली जो पिलो लेके आई हूँ मैंने, अभी इस पर मैंने कवर नहीं चढ़ाया है बिकॉज़ अभी मैंने आज जो हमारी बेडशीट थी मैंने चेंज नहीं की है, अब मैं कल बेडशीट चेंज करूँगी तो इन पे फिर कवर चढ़ाऊँगी। और डुगू को ये बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि जब से ये आई है डुगू इसी के ऊपर चढ़ चढ़ के खेल रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ये? हाँ। आप कुछ खाओगे? क्या खाओगे? क्या आ करोगे? हाँ क्या आ करोगे? आ दे दो। तो हमेशा की तरह डुगू जब सो के उठता है उसको भूख लगी रहती है, तो वो जब बन गया डुगू का मतलब नाश्ता कह लीजिए शाम को या कुछ भी कह लीजिए, मतलब भूख लगी इन लोगों को, तो मैंने बनाए पराठे और चाय इन लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे सिंपल पराठे हैं, मैं बता दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, सिंपल पराठे नहीं हैं, दाल के पराठे हैं ये। आपको अभी दाल की स्टफिंग तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हाँ बेबे देखो डुगू क्या लेके आया, डुगू मेरा ट्राईपॉड लेके आया है कि आप वीडियो के लिए इसे भूल गई हो। ट्राईपॉड लेके आया है मेरा। क्या बेटा? उसमें लगा के मतलब मैं वीडियो शूट करूँ इसलिए लेके आया ये। हाँ मैं बता दूँ आपको एक्चुअली हुआ क्या था, यार मेरे घर में मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं। हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कल रात में मैंने अरहर की दाल बनाई थी, अगर आपने कल का ब्लॉग देखा हो तो, और वो दाल मेरी बच गई थी, तो मैंने क्या किया कि उसी दाल से आटा गूंदा और गूंदने के बाद मैंने उसके पराठे बना दिए। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत इजी होते हैं, तो अभी के लिए यही है। चलिए फिर इन लोगों को दे देती हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। Oh,
फाइनली अभी हो रहे हैं रात के, एक मिनट की बताती हूँ मैं आपको, 8:35, मतलब मैं फिर से 2 घंटे के लिए गायब हो गई थी। एक्चुअली आज का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी तो नहीं है, मेरे घर से बोले तो ससुराल से मेरी जो नीस हैं, जो भतीजियाँ हैं, उनका कॉल आ गया था, तो बातें हमारी कुछ लंबी हो गई थी इसलिए मैं कॉल से बिजी थी। और उसके बाद थोड़ा सा जो डिनर बनाना था वो सब बनाने लग गई। और रिकॉर्डिंग का ये है यार, आज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मौसम इतना अच्छा था बट बारिश नहीं हुई। और अच्छा डुग्गू को भी ना अब पता चल गया है कि मेरे घर में एक ऐसा माहौल है कैमरे का या फिर कुछ रिकॉर्डिंग का या कुछ भी ऐसा एटमोसफेयर बन चुका है मेरे घर का कि उसको आदत हो गई है कि मम्मा के पास जाना है, हाय बोलना है और रिएक्ट करना है, कुछ भी होता है, मतलब जिस घर का जैसा भी एटमोसफेयर होता है बच्चा उसमें घुल मिल जाता है, तो वही कंडीशन है उसके साथ। हाँ तो बस इस घर के तो थोड़े बहुत काम करने थे वो कर रही थी और कॉल पे बिजी हो गई थी। आज बहुत दिन बाद उन लोगों से बात करी, अच्छा लगा बात करके, और बस यही सब चल रहा था। और मैं आज भी यार रनिंग के लिए नहीं जा पाई, इवन आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई। अब कुछ भी हो जाए कल से मुझे एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी ही करनी है, क्योंकि अगर मैं शाम के भरोसे बैठ जाती हूँ ना कभी कि नहीं मैं शाम में जाके एक्सरसाइज या फिर रनिंग वगैरह कर लूँगी तो मेरे हस्बैंड जो है ना, मतलब यार कल कर लेना ना, छोड़ दो ना आज, मतलब इन सब मामलों में बिल्कुल वैसे ही है वो, है थोड़े नहीं डुगू नहीं हिलाओ ना बेटा, थोड़े से ऐसे ही हैं। और डुगू यहाँ बड़ा खुश है आज, अरे क्या हो रहा है, हाँ डुगू बहुत खुश है आज। डिनर में मैं छोले बनाने वाली थी लेकिन मैंने छोले नहीं बनाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन ख़त्म हो गए थे, और लहसुन मतलब नीचे से मार्केट, मेरे घर के जस्ट सामने ही मार्केट लगती है तो ना वहाँ से लेने जाना था, लेकिन क्या हुआ है ना कि वो सीवर वीवर डलते हैं ना रोड में, तो शायद उसका काम चल रहा है तो रोड का जो सारा है खोद रखी है रोड, तो मार्केट ढंग से लगी नहीं हुई है और बहुत घूम के चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग गए नहीं। अब कल जब आएंगे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते वक्त मॉर्निंग में लहसुन वगैरह लेके आएंगे, तो कल सुबह बनाऊंगी छोले। और इस टाइम जो है मैंने दोपहर में जो भिंडी बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भिंडी, और अभी जो मैं दाल वाले पराठे बनाऊंगी दोबारा से, क्योंकि जो मैंने अभी चाय के साथ हम लोगों ने पराठे खाए ना वो सबको इतने अच्छे लगे, स्पेशली डुगू को और मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगा, वो कह रहे हैं मेरे हस्बैंड कहते हैं, दिवाकर जी कहते हैं रोज ऐसे बना दिया करो ना, रोज इतने टिटम्बे पालने की क्या जरूरत है, रोज रोज ये पूछने की क्या जरूरत है कि आज क्या बनाऊँ, रोज यही बना दिया करो, मैं रोज खा सकता हूँ इसको, उनको इतना टेस्टी लगा। तो वही मैं पराठे बनाऊँगी क्योंकि आटा रखा हुआ है थोड़ा सा ऑलरेडी, तो वही पराठे बनाऊँगी उनके लिए, और भिंडी रखी हुई है वो, और खीरा वीरा मतलब सैलेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आज का डिनर। और छोले बनाऊँगी कल सुबह, वैसे मैंने भिगा के रख दिए थे, अब उसका पानी निकाल के उसे बॉईल करके फ्रिज में रख दूँगी। बॉईल करने से क्या होगा ना कि अगर उसमें महक आनी होगी तो फिर नहीं आएगी, ये होगा। और आज मैंने बनाई है चोटी, ये गूंथ के मैंने बनाई है चोटी, और बहुत दिनों के बाद बनाई है, ये मेरा परांदा। एक्चुअली मुझे फील हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा कि मेरे बाल लंबे हो गए, तो मेरा मन करता है एक्सपेरिमेंट करने का। हाँ ये बाल हैं। ओके मैंने बनाई है चोटी, और मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाई है, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्या करके बनाया मैंने। हाँ बेटा, हाँ आगे खैर पफ तो है ही, लेकिन पीछे से ना पफ कैसे दिखाऊं, पता नहीं दिखा आपको, लेकिन कुछ अलग से बनाया करके ये है। हाँ चलिए फिर डिनर वगैरह जब निकालती हूँ अभी जाके पराठे बना लेती हूँ पहले, है ना, पराठे बना लेती हूँ, ओहो पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर डिनर करते हैं। नहीं बेटा अभी बाय नहीं करेंगे, अभी तो हाय करेंगे, बोल दो हाय। ओके चलिए फिर बना लेते हैं पराठे।
तो ये है हमारा आज का डिनर, दाल के पराठे जो कि बहुत टेस्टी बने हुए हैं। शाम को भी हमने खाए थे, बहुत अच्छे लगे थे। कल जो मैंने करेला बनाया था भर के, उसमें से एक करेला बचा हुआ था, तो वो करेला है। भिंडी की मसालेदार भुजिया सब्जी और खीरा, ये है हमारा डिनर आज का। सब्जी खा के देखिए, कैसा बना है? अच्छा है। डुगू कैसा है? यम्मी है, यम्मी है, यम्मी है। चलिए मैं भी कर लेती हूँ फिर। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और आज मैंने डिनर नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है। शाम को मैंने पराठे खा लिए थे और बिना टाइम के, क्योंकि शाम को ही खाना, मतलब इस तरीके से पराठे वराठे खाने का टाइम होता नहीं है, बट मैंने खा लिया था जिसकी वजह से मुझे बहुत भारीपन लग रहा है अपने पेट में। और मैंने इसलिए कुछ नहीं खाया है, बस अभी मैं भूख लगेगी तो दूध पीऊँगी, थोड़ा सा दूध गर्म होने के लिए रखा है मैंने। किचन मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है और हो सकता है कल मेरी ड्रेसिंग टेबल आ जाए। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ यार, पता है क्यों? क्योंकि ना मेरा मेकअप का जो सामान है ना, हालांकि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डुगू क्या करता है कि डुगू को जब भी मेरी कोई लिपस्टिक मिलती है ना, वो दीवार पे उसकी पेंटिंग उससे बनाना शुरू कर देता है। तो मैं, मुझे ना एक ये हो जाएगा कि सब कुछ मेरा सामान सेफ रहेगा, तो इसलिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ। और वैसे भी कोई भी घर में, चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे कोई बड़ी चीज़ हो, जब भी कोई चीज़ नई आती है तो हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम सभी का यही हाल होता है, स्पेशली मेरा तो है। दूध 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 दूध, ओके, दूध बिल्कुल उबल गया था, उबल के ऊपर आ गया था, और अगर मैं उसे बंद नहीं करती ना तो अभी एक काम और बढ़ जाता मेरा। चलिए ठीक था, ये था मेरा आज का दिन जो आप सबने के साथ मैंने शेयर किया। आई होप अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा है तो वो भी लिख कर बताया करो, अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट में लिख के बताया करो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगी यार। तो लेकिन मैं होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर मेरा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो। कोई कॉस्ट नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, प्लीज़ कर लो। और अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट। डुगू ने बाय बोल दिया। गुड नाइट।